गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 11 का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, कम्युनिकेटिंग यूजिंग ईमेल। ठीक है, तो हम लोग ईमेल के बारे में जान चुके थे, ईमेल एड्रेस क्या होता है हम लोग उसके बारे में जाना था। ठीक है, और ईमेल एड्रेस के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है हम उन सबके बारे में जान लिया था। आज हम लोग जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जीमेल अकाउंट, ठीक है, हम लोग मेरी अभी जीमेल अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं कि ईमेल का ही एक तरीका है जीमेल। ठीक है, तो हम लोग जीमेल द्वारा जानेंगे जीमेल अकाउंट क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, साइन इन या साइन अप, ठीक है, दो चीजें होती हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे और साथ ही साइन इन और साइन अप दोनों करेंगे। ठीक है, इनबॉक्स जानेंगे, अगर हम साइन इन कर लेते इनबॉक्स एक फीचर आता है। ठीक है, इनबॉक्स क्या होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं। कंपोज मेल, हम कंपोज मेल के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, हमको अगर कोई मैसेज भेजना हो, सेंड करना हो, तो हम कैसे उसको सेंड करेंगे ईमेल को। ठीक है, इसी में भी टू सीसी पीसीसी ये चीजें भी आती हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है, ठीक है, ये भी हम बात करें कि ईमेल जीमेल और ये क्या डिफरेंस है, क्या है ये सब। ठीक है, तो ईमेल नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये किसी भी कंपनी द्वारा दिया है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर किया जा सकता है। अभी गूगल क्या है, गूगल भी अपना ईमेल देता है। ठीक है, गूगल भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसका नाम क्या है, जीमेल। ठीक है, आप बोल सकते हो क्या कि गूगल के ईमेल को ही क्या बोलते हैं, जीमेल बोलते हैं, गूगल मेल। ठीक है, तो अभी हम लोग जिस तरह जीमेल अकाउंट अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसी तरह से नॉर्मली हर जगह। ठीक है, तो क्रिएटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन अप। ठीक है, साइन अप करना मतलब रजिस्टर करना, रजिस्टर करना मतलब एक नया अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, तीनों सेम चीज है, चाहे आप रजिस्टर करो, चाहे साइन अप करो, चाहे आप अपना अकाउंट नया क्रिएट करो, तीनों एक ही चीज होता है। तभी क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने ब्राउजर पर जाएंगे, आप वहां पे जीमेल सर्च करेंगे। ठीक है, आपने जीमेल एंटर किया, जीमेल सर्च किए तो आपको जीमेल का पूरा आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जीमेल साइन अप कर सकते हैं, तो इसका आप साइन अप का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें आपका नाम, ठीक है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, आपके डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, आपका रिकवरी ईमेल एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें, आपका जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, डिटेल्स में वो कुछ चीज़ें वो पूछ लेगा। इसके बाद आपको फिर अपना अकाउंट के ईमेल एड्रेस चूज करने के लिए बोलेगा। अगर हम यहाँ जीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे जीमेल आपको चूज करने के लिए बोलेगा कि आप अपना जीमेल एड्रेस में क्या रखना चाहते हैं। आपका जो यूजर नेम होगा, जिसका हमने पहले वीडियो में बात किया था यूजर नेम के बारे में, तो वो आपका यूजर नेम आप क्या रखना चाहते हैं आप उसमें से चूज करेंगे, आपको जो पसंद आएगा आप वो रख सकते हैं। ठीक है, आप अपना खुद से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको ओके करेंगे, अपना पासवर्ड चूज करेंगे। ठीक है, भाई पासवर्ड का क्या काम हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड भी आपको वहीं पर बनाना पड़ेगा, नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल आईडी के साथ, जीमेल आईडी के साथ। तो अब आपका अकाउंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो नया जीमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग साइन इन करते हैं, साइन अप हो गया, क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग जानते हैं साइन इन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं साइन इन के बारे में कि किस तरह से चीजों को हम लोग साइन इन कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग को ईमेल भेजना है, रिसीव करना है, कुछ भी करना है, आपको ईमेल से संबंधित कोई भी काम करना है, ईमेल या जीमेल से संबंधित, तो आपको पहले अपना एक साइन अप करना पड़ेगा, ये मस्ट है। आपको पास एक अपना अकाउंट होना चाहिए। अभी आपको मान लीजिए बैंक में पैसे जमा करना है, तो आप बैंक में पैसे जाके सीधा जमा कर सकते हैं? नहीं, आपको पहले वहाँ खाता खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक नया खाता वहाँ पे खुलवाना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर बैंक को पता ही कैसे रहेगा। तो उसी तरह से ईमेल एड्रेस का भी आपको पहले एक नया ईमेल एड्रेस ना क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करने के बाद उसमें आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन का मतलब क्या होता है, लॉगिन। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पर लॉगिन करते होंगे, ठीक है, आप जब भी कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे आप उससे पहले क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, साइन इन। तो साइन इन लॉगिन एक ही चीज है। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें, जैसे कि आपने बुक में, ठीक है, पेज नंबर 115, ठीक है, 115 वहाँ पे पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीमेल का एक बनाया गया है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, उस फिगर में बगल में साइन इन कर दिया ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको दो चीज पूछा जाता है जब भी आप साइन इन करने जाएंगे, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड। ठीक है, तो अभी ये पासवर्ड क्यों जरूरी है, अभी यूजर नेम, ठीक है, तो यूजर नेम इसलिए क्योंकि सारे लोग आप किसको अकाउंट पे लॉग इन करना है उनको तो पता नहीं है, तो आप अपना ईमेल डालेंगे, अपना जो भी आपका ईमेल जीमेल है वो डालेंगे। ठीक है, तो आपको यूजर नेम आप बोल सकते हैं।
और पासवर्ड, पासवर्ड इसलिए ताकि आप ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर सके, कोई दूसरा अपने मन से आपके अकाउंट को लॉगिन न कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, आप जैसे बैंक में जाते होंगे, आपको पैसा निकालना होता है, आप साइन करते हैं, वहाँ पे आपका साइन को मैच किया जाता है तभी आपको पैसा दिया जाता है। अदरवाइज अगर आपका साइन मैच नहीं करता है तो आपको पैसा नहीं दिया जाता है। सेम यहाँ भी ऐसा ही है, अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो आपको लॉगिन कराया जाएगा, अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो आपको लॉगिन करने से मना कर दिया जाएगा कि आप नहीं, आप गलत हैं। ठीक है, तो वहाँ भी बैंक में आपको कोई भी साइन अगर दूसरा कर लेता तो पैसा निकालेगा। दूसरे से पासवर्ड भी आपको अपना छुपा कर रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। अभी हम लोग इनबॉक्स वगैरह देखते हैं कि इनबॉक्स क्या है। ठीक है, तो इनबॉक्स क्या है, आप यहाँ पे अपने बुक में पेज नंबर 116 पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही यहाँ पे ऊपर इनबॉक्स पूरा बनाया हुआ है। तो इनबॉक्स एक ऐसा फोल्डर है जिसमें जो भी ईमेल आते हैं, ठीक है, आपको जैसे आपके दोस्तों ने, आपके रिलेटिव ने, या फिर आपके टीचर्स ने आपको जो ईमेल किया होगा वो सारे ईमेल वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, आपको जो भी ईमेल किया गया आप वहाँ पे जाके, सबका मैसेज होता है इनबॉक्स होता है, आप वहाँ पे जाके आपको सारा मैसेज दिखाई देता है, अपना मैसेज आप खोल के देख सकते हैं, फेसबुक में होता है, हर जगह आपका, व्हाट्सअप, तो उसी तरह से आपका यहाँ पे गूगल पे, जीमेल पे भी यही है। ठीक है, वहाँ पे आपका एक इनबॉक्स दिया होगा, आप जब भी अकाउंट को लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, आपको सबसे पहले इनबॉक्स ही दिखाई देगा अपना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनबॉक्स में एक वाइट में था, डार्क में है, तो इसका मतलब वो रीड कर चुके हैं, जो रीड नहीं किए हैं वो आपका ब्लैक और वाइट में ऊपर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो भी ईमेल आएगा वहाँ पे सारा कुछ दिखाई देगा, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद और भी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके बारे में लोग अभी जानेंगे। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोज मेल। ठीक है, कंपोज का मतलब क्या होता है, एक नया ईमेल लिखना, राइटिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग एक नया ईमेल लिखने वाले हैं और उसको सेंड भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग को कंपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ हर जगह, आप लोग जब भी जीमेल पे रहेंगे, जिस पेज पे अगर, ठीक है, जीमेल के पेज पे, तो आपको एक हमेशा ऊपर में जीमेल के नीचे ही जस्ट लिखा हुआ दिखाएगा कंपोज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 116 पे, ठीक है, कंपोज लिखा हुआ है रेड कलर में, देख सकते हैं रेड कलर का पूरा बटन है, उस पर कंपोज लिखा हुआ है। ठीक है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए पूरा मैसेज का खुल जाएगा, एक नया ईमेल लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां पे अपने ईमेल को लिख सकते हैं। अभी इसमें हम लोग को तीन चार चीजें लिखनी होती हैं। सबसे पहली चीज होती है टू। ठीक है, टू मतलब क्या है, आप किसको भेज रहे हैं, जैसे टू और फ्रॉम होता है, आप लेटर लिखते हैं तो आपको लेटर में लेटर लिखना पड़ता है ना कि हाँ ये दिल्ली में जो हमारे अंकल है उनको भेजना है, या समथिंग कहीं और भेजना है, तो आप उसका एड्रेस पूरा उनका लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी आपको जिसको ईमेल करना है, आप उसका जो ईमेल एड्रेस होगा आप उसको पूरा ईमेल एड्रेस को लिखेंगे। अभी सीसी और बीसीसी भी है, तो हम लोग जब आगे टॉपिक आएगा तो हम लोग से बात करेंगे। ठीक है, अभी टू सीसी बीसीसी तीनों एक ही में आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लिखते हैं जिसको हम लोग को भेजना है। ठीक, अभी सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, आप जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव या फिर एप्लीकेशन फॉर रिमिटेंसिंग फीस, तो मतलब या तो फीस माफी के लिए या फिर छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट लिख देते हैं कि आपको क्या किस पर्पज के लिए लिख रहा है, तो आप यहाँ भी अपने ईमेल में भी उस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, और जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट लिखें, आप सब्जेक्ट ब्लैंक लिख भी रह सकते हैं, मतलब आपको बिना सब्जेक्ट के आप अगर ईमेल चाहें तो आप भेज सकते हैं, जैसा कि आपके यहाँ दिया हुआ है। अभी ठीक है, अभी यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे पूरा बड़ा सा बॉक्स है, उस पर आपको मेन अपना मैसेज लिखना है, आपका जो भी मेन ईमेल होगा, आपका जो मेन जो भी चीज़ होगा वो सारा कुछ आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी टू के बाद सीसी और बीसीसी है, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। ठीक है, टू सीसी बीसीसी क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए कार्बन कॉपी, ठीक है,
तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये हम इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी आपको टू में है तो आप टू में कितने लोग को, एक लोग को, दो लोग को, तीन लोग को लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास और भी ज़्यादा लोग हैं, आप किसी बड़े लेवल पे ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मतलब रिलेटिव को अपने भेज रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, सीसी यानी कॉपी टू, आप इसको कॉपी मैसेज भेजना चाहते हैं, मतलब सेव टू सेव मैसेज उठा के उनको भी भेजना चाहते हो, तो आप उसमें क्या करेंगे, सीसी में उनका एड्रेस लिख देंगे तो उनको भी वो चला जाएगा। बीसीसी भी सेम है, अब बीसीसी में जिसका एड्रेस लिखेंगे उसको भी मेल चला जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एड्रेस लिखने के ही काम में आते हैं, टू सीसी और बीसीसी। बस इन तीनों में हल्का सा क्या फर्क है वो देखिए, ठीक है। बीसीसी हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, जब हमें किसी मैसेज को सीक्रेट भेजना हो, ठीक है। अभी सीक्रेट से क्या मतलब है, मतलब किसी और को पता नहीं चले कि हमने उसको ईमेल किया है, आपने मान लीजिए एक मैसेज तैयार किया, ठीक है। अब आप उसको किसी बड़े अधिकारी को या किसी नेता को या समझे कहीं या फिर कोर्ट का समझे कहीं कुछ भेज रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप उसको किसी पुलिस अधिकारी के पास भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपने पुलिस अधिकारी को सीज टू में कर दिया, ठीक है। अभी आप पुलिस अधिकारी से जो छोटे जूनियर्स होंगे, ठीक है, अभी उनको भी मान लीजिए आप डीएसपी के पास भेज रहे हैं, आप में तो उनके जो छोटे लेवल के होंगे रैंक के अधिकारी, आप उनको क्या करेंगे, सीसी में रख देंगे, ताकि अगर वहाँ से कुछ रिप्लाई आए, ठीक है, सीनियर लेवल से कुछ आंसर आए तो जो छोटे जूनियर्स उन पर कुछ एक्शन लें, ठीक है, तो पैरन का भी उनको कर देंगे। अभी बीसीसी क्या है, बीसीसी में अब इस वाली जब किसी कोर्ट को भी आप साथ में कर रहे हैं कि हमने थाना अध्यक्ष को ये मैसेज किया और वो अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप सीएम को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर, ठीक है, आप डीएम को कर सकते हैं या फिर कोई नेता हो आप उनको ऐड कर सकते हैं कि मतलब वो उन पर फिर एक्शन लें। तो अभी आप अगर किसी अधिकारी को मैसेज भेज रहे हैं तो साथ में उनको ये थोड़ी बताएंगे कि हमने कोर्ट को ये भेजा हुआ है, बोला हूँ तो उनको बुरा लगेगा, तब उनको क्या करेंगे, बीसीसी में डाल देंगे। तो जब इनके पास मैसेज जाएगा, जो पुलिस अधिकारी उनके पास मैसेज जाएगा, तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि किसी और के पास भी भेजा गया है। तो कुल मिला के क्या कहने का मतलब है कि बीसीसी में जिसके पास भी भेजा जाएगा, बीसीसी में जो भी एड्रेस होगा उसके बारे में टू और सीसी को कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है, उनको ये पता ही नहीं होगा कि बीसीसी में किसको किसको भेजा गया है, लेकिन सीसी और टू वाले जो होगा उनके बारे में बीसीसी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टू में सीसी में बीसीसी में आप चाहे तो जितने भी 50 50 50 मतलब आप जितने भी एड्रेस चाहे उनको आप ऐड कर सकते हैं कमा कमा लगा लगा के, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं क्या है, सेंडिंग ईमेल, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने कंपोज किया था, कंपोज वालों पूरा ईमेल लिख चुके थे, हमने टू में लिख दिया था, सारा एड्रेस भर दिया था, सब्जेक्ट जो भी चाहे हम लिख सकते हैं, फिर हमने पूरा ईमेल लिख लिया। इसके बाद वहाँ पे नीचे एक बटन था सेंड का, ठीक है, आपको सेंड पे क्लिक करना। आप जब उसको सेंड पे क्लिक करेंगे क्या होगा, वो जो ईमेल होगा वो सबको सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अगर मान लीजिए हम लोग को जो भी मैसेज हमने किया, जो भी ईमेल किया है, हमारी हमको देखना हो या फिर किसी और को दिखाना हो कि हाँ देखो तुमने कहा था मैंने इनको ईमेल कर दिया है, ठीक है, आपको समथिंग कुछ ऐसा करना हो तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको जहाँ पे कंपोज का दिख रहा था बटन उसी के नीचे इनबॉक्स बटन होता है, आप वहाँ पे इनबॉक्स खोल सकते हैं, उसी के आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे एक सेंड मेल का बटन है, ठीक है, सेंड मेल का ऑप्शन है, आप उसमें जब सेंड मेल पे क्लिक करेंगे क्या होगा, आपके जितने मेल आपने भेजा होगा, ठीक है, इनबॉक्स में क्या होता था, आपका जो ईमेल आया होता था जो आपको दूसरे फ्रेंड्स भेजे हुए हैं, लेकिन जो सेंड मेल है उसमें आपने जो भेजा है, ठीक है, वो सारा ईमेल दिखाई देगा, ठीक है। अभी हम लोग आज के हम लोग के लिए इतना ही है, नेक्स्ट डे हम लोग, ठीक है, किसी फाइल को कैसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल रिसीव कैसे करना है, ठीक है, कैसे हम किसी अटैचमेंट को देख सकते हैं, किसी को रिप्लाई कैसे करते हैं, रिप्लाई भी बहुत सारा ऑप्शन होता है, रिप्लाई होता है, रिप्लाई टू ऑल होता है, वो फॉरवर्ड क्या होता है, डिलीट कैसे करेंगे, किसी ड्राफ्ट को कैसे सेव करेंगे और सर्च कैसे करेंगे, और लास्ट में क्या है, साइन आउट। साइन आउट क्या होता है, लॉग आउट, जैसे आप लॉग इन किए थे, अगर लॉग आउट नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगा, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो हम लॉग आउट कैसे होंगे वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के बस इतना ही।